Hello students, hello everybody. We are doing this another lecture of nuclei, and this lecture is going to deal with numericals, and these numericals will make you understand the concept very well. So see what are the numericals have been taken for the class of today. You see, generally we have seen that radioactivity mein aur nucleus and radioactivity ka jo ye combined topic hai usme jo questions hote hain अगर उसको क्लासिफाई करें तो कुछ इस तरीके से क्लासिफिकेशन मिलता है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, इट्स आइसोटोप्स एंड देयर अबंडेंस, इसको लेकर के मिलता है हमें कुछ क्वेश्चंस। मतलब अब इसमें एटॉमिक मास पूछा जा सकता है या कोई आइसोटोप, किसी आइसोटोप के बारे में, किसी आइसोटोप के परसेंटेज ऑफ अबंडेंस के बारे में पूछा जा सकता है। दीज थिंग्स कैन बी डन, राइट? दीज थिंग्स कैन बी डन। और परसेंटेज अबंडेंस के अलावा भाई कोई और आइसोटोप है या नहीं है उसके बारे में भी बात हो सकती है। सो नाउ उसके बाद हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस लिखने के लिए मिलता है, भाई फलाना पार्टिकल फलाने ने ये डीके किया तो ये बना, तो उसका इक्वेशंस लिखो। या कितनी बार आपसे कितना अल्फा और कितना बीटा पार्टिकल रिलीज हुआ इससे ये बनने में, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल फाइंड, राइट? फिर मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे क्वेश्चंस मिलते हैं हमें। Then we talk about Q value of the process, and Q value of the process पे है। So Q value of the process में Q value निकालने के लिए पूछा जाएगा, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है या नहीं उसके बारे में बात हो सकती है। भाई कोई Q value के बेसिस पे ये जज करना कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। फिर अल्फा, अगर अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ है उस न्यूक्लियर रिएक्शन में तो उसकी एनर्जी निकालो, या बीटा पार्टिकल हुआ है चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या पॉजिट्रॉन हो तो उसकी एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी निकालो, इस तरीके के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, राइट? फिर न्यूक्लियस डी एक्साइटमेंट एंड गामा रेडिएशंस पे, यानी कि न्यूक्लियस, ये सब टॉपिक पढ़ाए हुए हैं हम लोगों ने, कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। तो न्यूक्लियस डी एक्साइट होगा फिर जो गामा रेडिएशन इमिट करेगा उसकी बात हो सकती है। ये पोटेंशियल बैरियर और ओवरकमिंग ऑफ कोलंबियन रिपल्शन क्या होता है, तो ये मैं आएगा, इसकी बारी आएगी तो मैं इस पे आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। फ्यूजन एंड एनर्जी कैलकुलेशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन एंड पावर हाउस, इस तरीके की कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं। यहाँ पे कार्बन साइकिल की बात हो सकती है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल की बात हो सकती है, ठीक है। फ्यूजन में यूरेनियम का डिसइंटीग्रेशन की बात कर सकते हैं कि भाई इस तरीके से ये हो रहा है। सो दिस, ये इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। एंड ये मैंने इधर रखा हुआ लास्ट में, कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, टाइम रेट, एक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन। भाई इतना सैंपल में इतना था तो इतना बच गया, इतना डीके होने में कितना टाइम लगा, या ये ऐसे इतने डीके हो रहा है तो उसका लैम्डा बताओ, डीके कांस्टेंट बताओ, रेट क्या होगा उसका, कंसंट्रेशन इतना है तो रेट कितना होगा, मतलब वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं। दिस इज मतलब एक खास तरीके के कॉन्सेप्ट के आजू बाजू क्वेश्चन बनते हैं। फिर इसी से मिलता जुलता कार्बन डेटिंग है, कार्बन डेटिंग के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। एक पार्ट और भी है, वो रेडियस और डेंसिटी और साइज से क्वेश्चन हो सकते हैं। So that's what I should add this in, मैं इसमें add कर देता हूँ। वो क्या, I'm saying that कि this is T11, I should say T11, that is radius, size, density of nucleus, इससे questions बन सकते हैं। So this is how the concepts, ये सब कुछ तो आपने पढ़ा हुआ है, everything you have been taught, all right? So aaj ki class mein hum log yahan pe, aaj ke lecture mein hum log dekhte hain kitna kar pate hain। I should try that we should reach to this 5 number tak pahunche, aur fir dusre class mein agar time bacha to aage chalenge, aur nahi bacha to fir kuch section iska, half of the sections will be doing in the next lecture। So let's see quotient based on this average atomic mass in an element। So look here, I have taken a quotient for you। It is, you see this quotient is 13.1A, matlab aapke NCERT ki exercise ka 13.1A, yani ki question number 1 ka part A hai hamare paas, and this is question number 1 of this lecture। So two stable isotopes of lithium, that is 3Li6 and 3Li7, have a respective abundance of 7.5% and 92.5%. देखो इन दोनों को सम करो 100 आ जाएगा। And these isotopes have masses
6.01512 यू, दैट इज इन आइसोटोप्स के मासेस दे रखे हैं यहाँ पे. आपसे कहा जा रहा है एटॉमिक मास ऑफ लिथियम निकालो, फाइंड एटॉमिक मास ऑफ लिथियम. सो हाउ, एक आइसोटोप है जिसका मास दे रखा है इतना, उसका एटॉमिक मास दे रखा है इतना भाई, और वो इतना परसेंट मिल रहा है, मतलब 100 में से इतना ये है और 100 में से इतना ये है, तो एवरेज एटॉमिक मास बताना कितना होगा. तो विल सिंपली से दैट ओके, हमारा एवरेज एटॉमिक मास का तरीका क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा कि अगर एक पर्टिकुलर आइसोटोप है, लाइक लेट सपोज उसकी वैल्यू M1 है और उसका परसेंटेज X1 है, तो वी कैन डू इट लाइक दिस वे. सो वी कैन से दैट दैट इज M1 और इनटू X1 एंड देन M2 इनटू X2 दिस और डिवाइडेड बाय व्हाट, दैट इज X1 प्लस X2. दिस इज व्हाट वी हैव टू फॉलो. सो यू, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. लाइक सपोज करो 100 आपने 100 लिथियम के आपने एटम्स लिए, तो 100 में से पता चला कि जो Li6 वाले हैं, Li6 वाला है वो आपके पास 7.5% है और दूसरा जो है 92.5% है, दैट इज Li7 वाला, समथिंग लाइक दैट. तो इसका मतलब कि अगर 100 में से इसके मास इंटू 7.5 कर दें और इसका मास इंटू 92.5 कर दें, तो टोटल इन 100 का मास आ गया, और डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा. तो वी राइट लाइक दिस. और कुछ लोग इसी को लाइक A1X1, A2X2, A3X3 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे भी लिख, आई मीन सॉरी A1X1, A2X2, A3X3 डिवाइडेड बाय X1 प्लस X2 प्लस X3 भी लिखते हैं. सो अगर जनरलाइज बताएं इस कॉन्सेप्ट का, सो दैट इज भाई मास नंबर अगर A1 है तो A1X1, A2X2, A3X3, ठीक है जी, और एंड सो ऑन, दिस डिवाइडेड बाई X1 प्लस X2 प्लस X3, समथिंग लाइक दिस. इस तरीके से एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है. सो ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, आइसोटोप्स ऑफ न्यूक्लियस मैंने पहला लेक्चर जो पढ़ाया था उसमें ये सब बात डिस्कस की हुई. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना तो क्या करेंगे, सीधा सीधा डाटा रख के आप कैलकुलेशन करना में. सो द डाटा इज लाइक 6.01512 एंड दिस इंटू 7.5. And then we are saying this is 7.01600, this into 92.5 and this divided by 100. That is what the answer is. Ab aap isko solve kar lijiye and answer likh lijiye. So let me calculate for you. So see, the calculation leads to like, agar hum isko multiply karte hain to the result is 45.1134. और इसको इस डाटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 648.98 आ रहा है. इन दोनों को सम कर दिया जाए तो 694.0934 डिवाइडेड बाय 100, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 6.940934. दिस इज हाउ इट इज टू बी टेकन आउट. लाइक ये हमारे पास यहाँ पे कितने डिजिट में दे रखा है, 2, 2, 4, 1, 5. सो विल राइट दिस यू इज इक्वल टू 6.940935 फाइव डिजिट में हमने यहाँ पे लिख दिया, ये रिजल्ट हो गया. सो एवरेज एटॉमिक मास इज नाउ, एटॉमिक मास इज राइट, दिस इज 6.940935, दैट इज व्हाट द आंसर इज. ये लिथियम का मास निकालेंगे. सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज 92.5% है, इसीलिए इसका आंसर क्या हुआ, इस डाटा के बहुत करीब है और इससे बहुत दूर है बिकॉज इसका परसेंटेज बहुत कम है. सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज अंडरस्टूड. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज एंड फाइंड अनदर क्वेश्चन हियर. तो सी, टाइप 1 का हमने एक क्वेश्चन किया है, अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, टाइप 1 का दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं. एंड सी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13.23 ऑफ योर एनसीईआरटी. इसमें हमने क्या किया कि मैग्नीशियम के उस क्वेश्चन दे रखा है, मैग्नीशियम हैज 3 आइसोटोप्स and these are like magnesium 24 जिसका ये मास दे रखा है, magnesium 25 जिसका ये मास दे रखा है, magnesium 26 जिसका ये मास दे रखा है, और कहा जा रहा है नेचुरल अबंडेंस जो है, यानी कि इसका इतना परसेंट है, इसका इसका
नेचुरल ये 1224 वाले का 78.99% बाई मास। तो कहा जा रहा है कि अगर एटॉमिक मास पूरे का 24.312 U है तो बताओ जी लाइक 25 और 26 वाले का परसेंटेज अबंडेंस क्या होगा। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। सो वी कैन सिंपली थिंक दिस कॉन्सेप्ट, वी कैन यूज एंड वी कैन सॉल्व इट। सो एवरेज एटॉमिक मास इज गिवन। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस सॉल्यूशन। सो दिस इज नाउ 24.312 U। दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास एंड दैट शुड बी व्हाट 23.,1 मिनट, 23.98504। दिस और ये कितना परसेंट है? दैट इज 78.99%। ये आपका M1X1 हो गया, फिर M2X2 दैट इज 24.98584। 24.98584 हमने ले लिया, 24.98584, और उसका परसेंटेज हमें नहीं मालूम। लेट सपोज एक्स ले लिया हमने, तो फिर दूसरा जो बचा हमारे पास दैट इज 25.98259, और इनटू व्हाट? तो देखो जी, 100 माइनस 78.99 करो आप, तो 100.00 एंड 78.99 आप करेंगे, सो दिस इज 1 and 01, राइट? दिस इज 01 एंड दिस इज नाउ, सो या दिस इज लाइक 21.01, राइट? सो इफ यू लाइक इसमें से इसको आप माइनस करोगे तो 21.01 आएगा। तो 21.01 दोनों का मिला के परसेंटेज होना चाहिए। तो अगर ये एक्स हो गया तो ये क्या हो गया? 21.01 माइनस एक्स, ये वैल्यू होगी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, राइट? एंड दिस होल डिवाइडेड बाय ये पूरे को हम अगर 100 से डिवाइड करते, पूरे को 100 से डिवाइड करते, विल डिवाइड इट बाय 100, ठीक है जी? सो भाई इसका मास दे रखा है, इसका परसेंटेज दे रखा है, दूसरे का मास इसका एक्स मान लिया, तो तीसरे का क्या होना चाहिए भाई? जो ये दोनों मिला के 21.01 है, तो 21.01 माइनस एक्स। अब सिर्फ कैलकुलेशन रह गया आपके लिए। सो हाउ यू आर गोइंग टू डू इट नाउ? टू सी दिस इज 24.312 इंटू 100, ये इधर लेके गए, एंड फिर माइनस दिस टर्म हैज बिन, ये इसको यहाँ लेके चलते हैं। सो दिस इज 23.98504 इंटू 78.99 दिस एंड इज इक्वल टू, इनकी बात करें तो यहाँ आपके पास रिजल्ट क्या है? 24.98584, ये एक्स वाला आया था, दिस मच एक्स, और इसका देखें तो इतना माइनस एक्स यहाँ पे दे रखा है, दिस इज 25 पॉइंट, दिस दिस दिस। सो वी आर गोइंग टू राइट, तो ये मास में थोड़ा बड़ा है और हमने इसके साथ ये एक्स लिख दिया। अगर हमने इसको एक्स माना होता, इसको 21.0 माइनस एक्स लिखा होता तो ज्यादा फिट होता हमारे पास। तो लेट्स सी, हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको। सो वी कंसिडर दिस एज अ एक्स एंड दिस इज 21.01 माइनस एक्स, ऐसे कर लेते हैं। तो दिस इज हाउ दिस डाटा, आई मीन कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो लेट्स सी, ऐसे ही करते हैं। सो दिस इज 24.98584 इंटू दिस एक्स, ऐसे लिख लिया, और नाउ दिस इज 25.98259 इंटू 21.01, और फिर माइनस व्हाट? दिस इज 25.98259 इंटू एक्स, दैट्स व्हाट वी कैन राइट इट। तो हमें पता है कि ये वैल्यू छोटी होगी इन कंपैरिजन टू दिस, है ना? तो इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, सारा डाटा ऐसे चेंज कर लेते हैं। सो नाउ वी आर राइटिंग 25.98259 माइनस 24.98
8584 दिस या 305 ये 5 डिजिट दिस इनटू एक्स इज इक्वल टू नाउ ये यहाँ पे ऐसे है हमारे पास 25.98259 दिस इनटू 21.01 ठीक है ये टर्म्स तो दोनों उधर चले गए ये डाटा हमारे पास है। अब जो ये माइनस था यहाँ पे आके प्लस हो गया 23.98504 इंटू 78.99 और ये यहाँ के माइनस होगा 24.31 इंटू 100। दैट्स हाउ दिस पॉइंट इज नाउ एक्स कैन बी फाउंड फ्रॉम हियर राइट। सो अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो लेट मी राइट द डाटा कैलकुलेटेड। सो लुक गाइस सो आई हैव डन दिस कैलकुलेशन। सो सी दिस इज कमिंग आउट इफ यू टॉक अबाउट दिस ये यहाँ पे लिख दिया मैंने ये कैलकुलेशन मैंने इस जगह पे लिख दी और दिस इज रिटन लाइक दिस ओके इस तरीके से। सो दिस कैलकुलेशन कम्स आउट दिस प्लस दिस माइनस दिस और ये यहाँ पर रख दिया इसको सॉल्व करने पे 9.30 आ रहा है। सो वी कैन से 9.30 और फिर जो 21.01 माइनस एक्स की बात करेंगे तो क्या आएगा सो 21.01 माइनस 9.30। सो हाउ दिस वैल्यू इज नाउ 10 मान लो 11.01 एंड प्लस सो 11.71 ऑलमोस्ट 11 पॉइंट गलत बोल रहा हूँ मैं दिस इज 21.01 एंड दिस इज 9.30 राइट। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 7 या दैट्स ओके एंड नाउ दिस इज 11.71 राइट। सो 11.71% सो 11.71 एंड दिस 9.30 सो दिस कम्स आउट 20.01 एंड देन दिस 11 and 9, 20, and this is 20, that is 21.01, I guess, and this is, okay, that's fine. So this is exactly the same data we are going to get now. So this is 9.30, so iska matlab ki jo percentage hai, percentage abundance of what? This is, we have assumed x for 24, yani ki this 25 wale ko. So 12 mg 25 is equal to 9.30%, and that is 12 mg 26 is equal to 26 ki baat kare. So that value is 11.71%. This is how this question is being done. To aap dekh rahe hain ki ek particular concept ke upar aise pooch liya gaya question idhar. एटॉमिक मास पूछ लिया गया और वहां पे उसमें से किसी एक की वैल्यू पूछ ली गई। एक तरीके का मतलब कैसे ये क्वेश्चंस होते हैं एवरेज एटॉमिक मासेस या आइसोटोप्स के परसेंटेज और अबंडेंस के लेकर के। आई होप दिस यू हैव अंडरस्टूड। सो दिस वी हैव डन नाउ। नाउ इक्वेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड फाइंडिंग नंबर ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल्स। तो ये देखिए जरा किस तरीके के क्वेश्चन है यहाँ पे। राइट न्यूक्लियर रिएक्शन इक्वेशंस फॉर alpha decay of this 88 Ra226 right something like this we have to alpha decay ko likhna hai. So kya kar sakte hain like 1 so this is ready Ra this is 88 and 226 I think this is radium aur agar isko humne yahan se isse alpha particle bahar nikala hai so bhai ji theek hai now this is alpha means that is alpha 24 bahar aa gaya. So now here, जो भी पार्टिकल होएगा 86 होना चाहिए एंड 86 होना चाहिए एंड दिस शुड बी 220 दिस शुड बी 220 सो आई बिलीव दिस इज रेडॉन होता है आरएन सो दिस एंड कुछ इस तरीके का ये कंपाउंड बनना चाहिए। अब इट इज नॉट नेसेसरी दैट जैसे मैं आई एम फेसिंग कि यार मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये कौन सा न्यूक्लियस है सो स्टिल आई रोट इट लाइक दिस फाइन। अब अगर उसी तरीके से ये देखो इसमें 6 क्वेश्चन थे तो जो करने लायक थे मैंने वो यहाँ पे ले लिया है बाकी आप 2 खुद कर सकते हो यहाँ पे। नाउ दिस फोर्थ वन की बात करें लेट्स टॉक अबाउट इट इज सेइंग बीटा डीके चाहिए आपको किससे बीआई बिस्मथ की बात हो रही है
एंड दिस इज 83 एंड दिस इज 210, इससे आपको बीटा डीके करना है, ठीक है जी। और यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि बीटा डीके लिखा हुआ है, इट इज नॉट बीइंग सेड दैट कि बीटा पॉजिटिव है, सो अंडरस्टूड है कि ये बीटा डिगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे बीटा नेगेटिव निकालेंगे यानी कि -1 0 होगा यहाँ पे, सो यहाँ 83 है, तो जो भी यहाँ पे कंपाउंड होएगा, आई मीन आई डोंट नो व्हाट इज दैट, जो भी होगा वो क्या बन जाएगा, 84 हो जाएगा एंड दैट विल बी 210, ठीक है जी। अब जो भी ये न्यूक्लियस होएगा दैट कैन बी सर्च कि वो क्या होगा, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप इसको याद कर सकते हैं, दैट यू कैन टेल कि व्हाट इज दिस वैल्यूज, राइट। एंड अगर आपसे ये पहचान करने के लिए बोल दिया जाए तो फिर आपको याद रखना चाहिए। नाउ अगर हम इसकी बात करें, लाइक फिफ्थ वन की बात करें, इट इज सेइंग दैट कि बीटा पॉजिटिव डीके 6C11 से, यानी कि 6C11 से आप बीटा पॉजिटिव चाह रहे हैं, सो बीटा पॉजिटिव चाह रहे हैं यानी कि बीटा +1 0 इसकी बात कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, 5 होना चाहिए एंड 11 होना चाहिए, दिस इज हाउ इट इज। सो दिस इज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, दिस कुड बी बोरोन आई होप, राइट। सो बोरोन का हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम एंड दिस, ओके फाइन, दिस दिस शुड बी बोरोन नाउ, तो ये बोरोन का 5 11 होना चाहिए, सो शुड बी बोरोन, राइट, बोरोन। तो इस तरीके से ये बात कर सकते हैं, ठीक। उसी तरीके से आपसे कहा गया इलेक्ट्रॉन कैप्चर निकालिए, भाई इसके लिए लिखिए। तो जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर के बारे में अगर कोई बात होगी तो ऐसे समझेंगे हम, ये कोई न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के साथ कोई ऑर्बिट है, लेट सपोज देर देर आर ऑर्बिट्स 1 2 समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके का ऑर्बिट है। अब इसके ऑर्बिट में लेट सपोज के शेल जो है, जो फर्स्ट शेल है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन। अब ये न्यूक्लियस क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पकड़ता है और न्यूक्लियस में लेकर के चला जाता है, यानी कि न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के लेके चला जाता है। तो अब ऐसा अगर करेंगे हम, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अब है नहीं, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया भाई, दैट इलेक्ट्रॉन हैज गॉन समवेयर, न्यूक्लियस के अंदर आ गया। ये हुआ इलेक्ट्रॉन कैप्चर, यानी कि जब न्यूक्लियस के सेल के इलेक्ट्रॉन को खुद खींच लेता अपनी तरफ और फिर इसको भरने के लिए किसी हायर ऑर्बिट से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा तो वो रेडिएशन इमिट करेगा, दिस इज फिलहाल के कैप्चर। तो न्यूक्लियस ने उस इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो न्यूक्लियस के अंदर जब वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, तो जो यहाँ एक प्रोटोन जितना था, उस प्रोटोन की संख्या जितनी थी, उसमें से एक प्रोटोन और ये इलेक्ट्रॉन मिलाकर के चार्ज क्या हो जाएगा, घट जाएगा, विल बिलीव दैट कि चार्ज हैज रिड्यूस्ड। सो व्हाट वी आर सेइंग कि यहाँ देखने की बात है कि अब आपके पास, आई एम नॉट वेरी अवेयर अबाउट ये कौन सा एलिमेंट की, कौन से न्यूक्लियस की बात हो रहा है, मेरे ख्याल से जिनॉन है, राइट, बट आई डोंट नो, आई मीन सो दिस इज 54 120। अब ये इसने इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया, इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया तो अब जो भी दूसरा न्यूक्लियस बनेगा उसका जेड जो है एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, घट जाना चाहिए, दैट शुड बी 53, और अब ये 53 होना चाहिए और मास नंबर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। तो जब ये इस तरीके से पैदा करेगा तो इसके साथ साथ कुछ एनर्जी पैदा होएगी और न्यूट्रिनो पैदा होएगा, लाइक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो गया, सो देयर विल बी, वी से दैट कि न्यूट्रिनो पैदा होगा और आई मीन एनर्जी पैदा होगा, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, ठीक है जी। सो यहाँ पे न्यूट्रॉन, सो आई कम टू नो दिस एक्स इज इक्वल टू, अभी चेक किया था, दिस इज आयोडीन, राइट, एंड दिस इज बोरोन आई टोल्ड, एंड दिस इज पोलोनियम, 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 राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो आपसे क्या किया गया, आपसे बोला कि न्यूक्लियर रिएक्शंस लिख दो भाई, ये ऐसे हुआ, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं आपसे। अब यहाँ पे कितनी बार क्या हो सकता है कि आपको सपोज कोई रिएक्शंस दे रखा हो और ये दे रखा है, 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 ये नहीं दे रखा है, तो आपको मास नंबर एंड चार्ज नंबर के तरीके से आपको इक्वेशन बैलेंस करना आना चाहिए। तो दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। एंड इसी में एक दूसरा टाइप क्वेश्चन देख लो, लाइक हाउ मेनी अल्फा बीटा पार्टिकल्स आर इमिटेड
लाइक व्हेन दिस डिकेज इनटू दिस, तो यानी कि आपको सीधा सीधा कहा जा रहा है कि 92 यू 238 एंड दिस हैज फाइनली आफ्टर वेरियस प्रोसेस हैज बिकम लाइक पीबी और 82206। अब हमें नहीं मालूम कि कितने नंबर ऑफ अल्फा, लेट सपोज एम अल्फा और एम बीटा रिलीज हुआ, एन बीटा रिलीज हुआ, सो वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी अल्फा एंड हाउ मेनी बीटा। तो अब ये एम कैसे निकलेगा और एन कैसे निकलेगा, तो इस केस में विल से दैट कि ओके यहाँ पे मास नंबर में जो चेंज है वो कितना है। लेट सपोज अगर एम अल्फा है, इफ इट इज एम अल्फा देन, और ये एन बीटा है, तो इसको आप ऐसे लिख लें 92 यू, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि कितना लाइक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। कोई बात नहीं, तो जरा मास चार्ज के नजरिए से देखो जी, दिस इज 92, दिस इज नाइन, चार्ज के नजरिए से आई एम सेइंग फ्रॉम चार्ज पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें, सो 92 दिस 92 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 82, और एम अल्फा का मतलब एम इन टू टू, और एम बीटा होने का मतलब एन माइनस वन। सो यहाँ एक इक्वेशन मिला आपको, इफ यू लुक एट दिस व्हाट हैज कम नाउ, 2m माइनस एन इज इक्वल टू 92 माइनस 82 दैट इज इक्वल टू 10, है ना, ये एक इक्वेशन मिल गया जी। चार्ज के नजरिए से ये बन गया, मास के नजरिए से देखे तो क्या हुआ, 238 इज इक्वल टू दैट शुड बी इक्वल टू 206, है ना, 206 प्लस एम अल्फा यानी कि 4 हो गए भाई, सो एम इंटू 4, और बीटा में मास नहीं होता है सो दैट इज एन इंटू 0, सो दिस इफ यू लुक एट, सो 238 238 एंड दैट इज इक्वल टू 206 प्लस 4m, सो फ्रॉम हियर इफ यू लुक एट दिस, सो 4m इज इक्वल टू हाउ मच वी हैव गॉट इज 238 माइनस 206, 238 माइनस 238 माइनस 206, सो m इज इक्वल टू हाउ मच नाउ, सो यू कैन फाइंड m फ्रॉम हियर, दिस इज 32 बच गया ऊपर, नीचे आ गया 4, तो दिस इज 8, तो दिस इज m की वैल्यू 8 हो गई। एंड नाउ उस इक्वेशन से 2 इंटू 8 माइनस n इज इक्वल टू 10, सो दिस इंप्लाइज 16 माइनस 10 इज इक्वल टू m, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 6, सो 8 अल्फा एंड 6 बीटा हैज बीन फायर्ड। So this equation can be written as 92 U 238 and this is 82 206 and plus how many alpha? 8 alpha 2 4 and then 6 beta minus 1 0. That's how we can write it. So अब देखेंगे तो ये बिल्कुल equation balance होगा, 8 दुनी 16 और 6 माइनस 1 माइनस 6 यानी कि 10 और 82 92 इधर हो गया, इस तरीके से ये बैलेंस हो जाएगा। तो अल्फा बीटा पूछा जा सकता है आपसे। अब एक इधर की तरफ क्वेश्चंस देखें, लाइक सपोज कर लो कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियस है दैट इज एक्स 7218 लिखा हुआ है इसका, यानी ये एक अल्फा फायर करके X1 बनाता है, फिर एक बीटा फायर करके X2 बनाता है, फिर एक अल्फा फायर करके X3 बनता है, फिर एक गामा फायर होने के बाद X4 बनता है, इट इज समथिंग लाइक दैट। वो बताओ कि जेड क्या होगा और ए कितना होगा, यानी कि जेड और ए की वैल्यू बतानी है आपको, तो क्या करेंगे हम। देखो ये 72 और 18 है, ये अल्फा फायर किया तो इसकी वैल्यूज क्या होगी, क्योंकि ये एक अल्फा फायर हो गया, सो यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, सो इसके सॉल्यूशंस की तरफ चलेंगे, तो विल से दैट ओके 72 एक्स 18 था राइट, 2 अल्फा 4 बाहर आ गया, तो अब यहाँ पे कौन आएगा, X1 आएगा, तो लेट सपोज X1 हैज कम, और X1 क्या होगा जी, तो 72 माइनस 2 दैट इज 70, यस, और कुछ गड़बड़ हो गया ना यहाँ पे, ये डाटा में 18 नहीं होगा, सो आई माइट हैव टेकन कॉपीड रॉन्ग क्वेश्चंस, दिस इज 180 राइट, सो दिस इज 180, सो अब क्या किया, सो दिस इज 70 और 184 176 ओके फाइन। फिर इसके बाद यहाँ से बीटा फायर मान लो, दिस इज बीटा फायर हैज टेकन प्लेस,
और बीटा फायर होने के बाद जैसे आपने बीटा फायर किया, अब आपको बीटा पॉजिटिव तो नहीं बताया गया, सो वी विल अंडरस्टैंड -1 0 फायर हुआ है, ठीक है जी। बीटा पॉजिटिव होगा तो वो आई मीन इट विल बी मेंशनड सेपरेटली, राइट। सो नाउ दिस इज X2 हैज कम ओवर हियर। सो जितना है यहाँ पे एक बीटा फायर हुआ तो यहाँ एक मास चार्ज नंबर बढ़ जाएगा, सो दिस इज 71 एंड मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो इट इज 176। ये X2 हो गया। अब यहाँ से आप सपोज कर लो एक फायरिंग हुई अल्फा की, अल्फा फायरिंग होने के बाद यहाँ X3 पैदा हुआ। अब 71 में से 2 गायब हो जाएगा, सो 71 में से 2 गायब होने का मतलब 69 एंड 176 यानी कि 172 हो गया। एंड अब यहाँ से गामा रेडिएशन निकला हुआ, कोई बात नहीं, न्यूक्लियस जितना था वो डी एक्साइट होकर के ये पैदा हुआ, तो ये X3 और X4 सेम ही होगा, देर विल बी नो चेंज, राइट। सो 170, सो जेड पूछा गया तो जेड कितना हो गया 69 और ये कितना हो गया 172। सो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लेकर के मैंने, तो मैंने आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश की अभी तक, इसी हमने एक इस तरीके के क्वेश्चंस किया, कुछ एक तरीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे अल्फा बीटा निकालने के लिए, न्यूक्लियर रिएक्शंस कंप्लीट करने के लिए, फिर ये दे रखा वो निकालो, ऐसा समथिंग लाइक दिस। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, कह रहा मास इफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे सवाल बनते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने चार एक पांच क्वेश्चंस किए, हम लोगों ने अब छठे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। So this is saying a given coin. This is a coin, and that coin is a given coin. All right. So a given coin has a mass of. एक मिनट, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। Yes. So I'm saying a given coin, let's suppose a given coin has a mass of 3.0 gram. आप इसको 3.09 मत पढ़ लेना, this is 3.0 gram है, 3.0 gram की बात हो रही है। So अगर 3.0 gram है एक coin का mass, ठीक है, see this question very 3.01 ग्राम की बात हो रही है, ये इसका मास है, एक क्वाइन है जिसका मास 3.0 ग्राम। कैलकुलेट द न्यूक्लियर एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम ईच अदर, यानी कि सारे न्यूट्रॉन्स एंड सारे प्रोटॉन्स को एक दूसरे से अलग कर देने के लिए ईच अदर। रिज्यूम क्वाइन इज मेड प्योरली ऑफ कॉपर 2963 एटम, जिसका एटम का मास इतना दे रखा है, ठीक है। अब ये कॉपर एटम है और इसका मास दे रखा है, सो व्हाट डू यू बिलीव, ये किसका मास दे रखा है, ये कॉपर एटम का मास दे रखा है, क्या दे रखा है। तो सी इस तरीके के क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ऑलवेज हमें एक डाउट होएगा कितनी बार कि हम ये न्यूक्लियस का मास दे रखा है, एटम का मास दे रखा होगा, सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। एंड फिलहाल ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये जो दे रखा है आपको मालूम है कि एनसीईआरटी में जो न्यूक्लियस है वो अलग तरीके से लिख रहे हैं, मास न्यूक्लियस ऐसे करके लिखा उन्होंने, और एटम का जब भी मास निकला हुआ तो उन्होंने ऐसे एम करके लिखा हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो गिवन क्वाइन हैज दिस मच मास, मास कितना है 3 ग्राम, और आप उस पूछ रहे हो कि अगर इस 3 ग्राम के कॉपर का क्वाइन है, इसके सारे प्रोटोन न्यूट्रॉन, जब प्रोटोन न्यूट्रॉन सारे बाहर कर दोगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन भी बाहर हो ही जाएगा भाई, तो इन सब को आपने क्या किया, तार तार करके अलग कर दिया, तो बताओ ऐसा करने में आपको कितने न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, हाउ मच न्यूक्लियर एनर्जी यू रिक्वायर एक्चुअली। सो लेट्स गो फॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो थ्री सो हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस केस नाउ। So a given coin has a mass of 3.0 gram. और अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? So copper का atomic mass हमें दे रखा है. So we know that, like we know that,
अगर एक कॉपर का मास इतना है, राइट, और प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास अगर हमें मालूम है, तो फिर हम कहेंगे कि एक कॉपर का मास डिफेक्ट कितना है। और फिर एक कॉपर का मास डिफेक्ट का मतलब, सो लेट्स सी, वी नो दैट लाइक मास डिफेक्ट की बात करें हम, मास डिफेक्ट की बात करें, मास डिफेक्ट ऑफ एटम की बात करें, तो क्या करेंगे हम उस केस में, लाइक यहाँ पे 29 एंड 63 दे रखा है, सो 29 इंटू मास ऑफ प्रोटोन करेंगे और 34 हो जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा, एंड फिर 29 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, राइट, एंड दैट माइनस 62.92960 विल कंसिडर दिस इज द मास ऑफ कॉपर जो दे रखा है, थियोरिटिकल मास माइनस माइनस दिस प्रैक्टिकल मास। अब ये जो आएगा ये निकल के कुछ वैल्यूज आएगी, तो अब प्रोटोन का मास और न्यूट्रॉन का मास कितना है, सो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने डाटा लिया नहीं है, बट लेट मी हैव द डाटा फॉर दिस प्रोटोन मास एंड न्यूट्रॉन मास। सो दिस कैलकुलेशन हैज बीन डन ओवर हियर, सो व्हाट वी सी दैट कि अगर हम इन्हें इस डाटा को, इस पर्टिकुलर डाटा को, इस एक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट, ये आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, दिस इनको मल्टीप्लाई किया ये हुआ, इनको सम किया ये रिजल्ट आया, इसको इसमें माइनस कर दिया ये रिजल्ट आ गया, एक्स आ गया। सो एक्स जानने के बाद, इस एक्स को वैल्यूज रखने के बाद, इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू हैपन, 63 से डिवाइड कर दिया, इतना रिजल्ट आ रहा है। सो वी कैन राइट 1.58064 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वी कैन राइट 1.58 इंटू 10 का पावर, अच्छा देखो यहाँ पे गलत हो रहा है ना, दिस इंटू 10 का पावर 25 भी लिखना होगा हमें, यस दिस इज सम मिस्टेक वी आर डूइंग हियर, सो दिस इज दिस इंटू, राइट, ये 10 का पावर 23 था, तो अब ये 10 का पावर 25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, सो दिस इज 1.58 एंड दिस इज, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ बिग दिस एनर्जी इज, अगर आप इसको जूल में समझने की कोशिश करो, सो 1.58 इंटू 10 का पावर 25 एंड 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 13, दिस मच जूल्स, यानी कि 10 का पावर 12 है, यानी कि 1.58 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर 12 जूल की बात हो रही है, समझ रहे हैं बच्चा। सो कितनी एनर्जी चाहिए आप अगर इसके 3 ग्राम का एक क्वाइन के न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, सो इट्स अ वेरी ट्रेमेंडस एनर्जी। सो मास डिफेक्ट एंड, यानी कि इस 3 ग्राम के इसके क्वाइन ने अपने न्यूट्रॉन प्रोटॉन को एक साथ बाइंड करने के लिए और इस तरीके करने के लिए इतनी एनर्जी का इसने सेक्रीफाइस किया होगा, और तब जाकर के इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस बना होगा। सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर, सो लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन नाउ। Another question is the neutron separation energy. The neutron separation energy is defined as, the neutron separation energy is defined as the energy required to remove, the neutron separation energy is required, is defined as the energy required to remove a neutron from the nucleus. इसी न्यूक्लियस से एक न्यूट्रॉन को निकाल देने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी कहते हैं। Calculate neutron separation energy from the nuclei of 20 calcium 41 and aluminium के 27 से एक न्यूट्रॉन बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सो वी हैव अ टू क्वेश्चन, एक एल्यूमिनियम के लिए और एक कैल्सियम के लिए, सो विल डिवाइड दिस इन टू पार्ट्स एंड विल डू इट टू सेपरेट साइड्स, राइट, सो समथिंग लाइक दिस। सो क्वेश्चन को अगर हम करने चले ना, तो there are various thought a student will face, इस question को solve करने जाओगे तो various thought will come out। कुछ लोग इसको solve करने के लिए what they will be doing like that, ये सोचेंगे क्योंकि यहाँ पे calcium है 2040 है, calcium है 2041 है, तो अगर मैं इस mass में से इसको घटा दूँ और delta m ऐसे निकाल दूँ, that is mass calcium this 2041 minus mass calcium 2040,
और ऐसे कर देंगे तो ये जो निकल के आएगा, जो मास डिफेक्ट निकल के आएगा, तो वो मास डिफेक्ट किसके वजह से आया? एक न्यूट्रॉन के वजह से आया। सो यहाँ से रख करके अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो गलत डायरेक्शन में जाएगा, दैट स्टेप विल बी रॉन्ग। सो हाउ टू थिंक अबाउट दिस, कि वी विल से दैट ओके कैल्शियम 2040 का जो मास है, इस पे अगर हम एक न्यूट्रॉन ऐड कर दें, इफ वी ऐड दिस न्यूट्रॉन, तो लाइक एंड देन मास ऑफ कैल्शियम 2041, यानी कि इस पे ये ऐड करें तो ये बनना चाहिए। तो इसका मास जो होगा और इसका जो मास होगा, इनके बीच जो मास डिफेक्ट होएगा, भाई अगर इसमें ये मैं जोड़ता हूं तो जो मास बन के आएगा, और इसका जो मास है, इन दोनों के बीच में जो मास डिफेक्ट होएगा, दैट मास डिफेक्ट मीन्स क्या, इसको जोड़ने के लिए, यानी कि इस न्यूट्रॉन यानी कि इस न्यूक्लियस ने इसको अपने पास रखने के लिए और ऐसा बनने के लिए इतना मास क्या किया है, लॉस किया है, यानी कि इतनी एनर्जी उसने सेक्रीफाइस किया, यानी कि आप अगर इतनी एनर्जी उसको दोगे तब जा करके वो इस तरीके से ये और ये में टूटेगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नो, जैसे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पढ़े हैं, हम लोग क्या करते हैं भाई, सारी चीजें आपका अपना अपना मास था, वो सब मिल करके ये बन गई, और थ्योरेटिकल मास इतना था, और थ्योरेटिकल मास इतना था, और प्रैक्टिकल मास इतना था, तो थ्योरेटिकल मास माइनस प्रैक्टिकल मास करते हैं हम लोग, और उससे जो मास डिफेक्ट निकल के आता है, उस मास डिफेक्ट को हम लोग इक्विवेलेंट उसकी एनर्जी निकालते हैं, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी निकल के आती है। यस, तो ठीक उसी तरीके से हम क्या करते हैं कि ये वाला मास दे रखा है और इसमें अगर एक न्यूट्रॉन ऐड करते हैं तो इसको ऐड करने पे ये बनेगा। इसका मतलब इससे एक अलग एक न्यूट्रॉन निकालने के लिए, या भाई इसको ये ऐड करेंगे तो एक मास डिफेक्ट होगा, और मास डिफेक्ट में जो एनर्जी रिलीज होएगी, इसका मतलब कि उतनी एनर्जी देंगे तो उसमें से एक न्यूट्रॉन हम क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? अगर आप यहाँ कर रहे हैं तो क्या हो रहा, यू आर व्हाट मिस्टेक यू आर डूइंग भाई, ये ऑलरेडी एक अलग न्यूक्लियस है, ये एक अलग न्यूक्लियस है, ये ऑलरेडी इसने सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दे करके बनाया है, ये अलग बन के है। यहाँ से अगर आप करोगे तो वो बाइंडिंग एनर्जी का जो कंस्टिट्यूएंट्स के मासेस का सम, दैट इज थ्योरेटिकल मास माइनस प्रैक्टिकल मास, अगर का जो आइडिया है बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये गलत होगा। तो सही तरीका ये होगा कि इसके मास पे हम एक न्यूट्रॉन का मास ऐड कर देते हैं, और फिर जो मास आएगा दैट विल बी द थ्योरेटिकल मास ऑफ दिस, और इसका प्रैक्टिकल मास इतना दे रखा है, तो भाई इसके प्रैक्टिकल मास और इसके थ्योरेटिकल मास में से निकालेंगे तो जो मास डिफेक्ट होएगा, दैट मास डिफेक्ट विल बी द बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी, और इतनी एनर्जी अगर हम देंगे तो उसमें से वो एक न्यूट्रॉन बाहर निकल पाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, यानी कि ये स्टेप एग्जीक्यूट नहीं करना, ये स्टेप एग्जीक्यूट करना है। और यहाँ पे स्टूडेंट के दिमाग में एक सवाल और आता है कि सर ये किसका दे रखा है, आई मीन हुज मासेस इट इज गिवन, लाइक इट इज द न्यूक्लियस का मास दे रखा है, एटम का मास दे रखा है, तो अगर आप इसको न्यूक्लियस का मास समझ रहे हो, एटम का मास समझ रहे हो, तो न्यूक्लियस का मास निकालने के लिए भाई इसमें भी 20 इलेक्ट्रॉन का मास घटाओगे, इसमें भी 20 का घटाओगे, तो भाई इसमें भी 20 घटाओगे, इसमें भी 20 घटाओगे, तो फाइनली लास्ट में सेम रिजल्ट आएगा, इसलिए उसको करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसको आप न्यूक्लियस का मान के चलो या एटम का मान के चलो, बात ये सेम है, राइट? मतलब हमें फाइनली क्या करना है भाई, इसमें हमने एक न्यूट्रॉन का मास ऐड करके, और फिर ये जो मास है जो है इसमें से ये हमें माइनस करना पड़ेगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अगर आप कह रहे हो कि ये जो मास दे रखा है, इसमें मैं सपोज कर लो न्यूक्लियस का मास निकालने के लिए मैंने यहाँ से क्या किया, 20 इलेक्ट्रॉन का मास माइनस किया, तो इसमें भी 20 इलेक्ट्रॉन के माइनस करने पड़ेंगे, तो इधर भी -20 इलेक्ट्रॉन -20 इलेक्ट्रॉन, और फाइनली ये चीजें उधर जा करके क्या होनी है, माइनस होनी है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इस कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको ये एटम का दे रखा है या न्यूक्लियस का दे रखा है। वैसे एनसीईआरटी में ये जो डाटा दे रखा है, वी बिलीव दिस इज गिवन फॉर एटम, अदरवाइज न्यूक्लियस होता तो वहाँ पे एन लिखा हुआ होता, दिस इज हाउ एनसीईआरटी हैज मैनेज्ड इट, राइट? सो अब मैंने आपको ये बात समझा दी, और अब क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो हाउ वी आर टेकिंग दिस स्टेप्स, अब ये स्टेप हटा देते हैं, ये भी डिस्कशन हो चुका हमारा, और वी विल कैरी दिस स्टेप नाउ। सो द आइडिया इज मास ऑफ लाइक मास ऑफ दिस कैल्शियम 2041
प्लस जीरो एंड वन इज इक्वल टू वो हाउ मच 39.962591। और अभी एक न्यूट्रॉन का मास का डाटा हम लोगों ने यहाँ लिखा था 1.008665, 1.008665, 1.008686, 1. यहाँ पे देखो 2, 2, 4, 5 है तो 1.008665, तो हमने इतना लिख लिया। इज दैट ओके नाउ? दिस इज व्हाट वी हैव टेकन इट। तो ये हमने न्यूट्रॉन का मास ले लिया, तो ये कितना आ गया जी इनको अगर आप ऐड करेंगे तो? सो दिस इज 39.96259 एंड देन यू आर राइटिंग 1.00866, सो दिस कम्स आउट हियर 9615, 5611 एंड 112, 2810 एंड 11 एंड दिस इज 7 एंड दिस इज 9 एंड दिस इज 40.97, राइट 40.97, ये थ्योरेटिकल मास है। और प्रैक्टिकल मास कितना दे रखा है? इतना दे रखा है। सो डेल्टा एम कितना हुआ दिस? डेल्टा एम इज इक्वल टू 40.97125 एंड दिस इज 40.96278। ठीक है जी, इस पे एक जीरो लगा दो आप, ऐसे ऐसे मान लो। और अब आप क्या करो, यहाँ माइनस करो। सो हाउ मच वी आर गोइंग टू गेट नाउ? सो दिस इज 10 - 8, दैट इज 2, 4, 14 - 7, दैट इज 7, देन हियर 11 - 2, दैट इज 9, देन 0, दैट इज 10 - 2, 8, एंड दैट इज 0 एंड 0 एंड दिस इज 0 0। सो डेल्टा एम इज इक्वल टू व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, दिस इज सेइंग 0.008972, दिस इज डेल्टा एम। तो एनर्जी कितनी हो गई भाई? सो नाउ दिस एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड, 0.008972 दिस इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? सो लेट मी कैलकुलेट फॉर यू। गोइंग टू गेट 8.357418 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो वी कैन राइट 8.36 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई मीन दिस इज व्हाट आवर आंसर इज, दिस इज हाउ वी कैन गेट इट नाउ। सो प्रोसीजर वी हैव अंडरस्टूड, सिमिलरली वी कैन कम टू दिस डाटा नाउ। सो विल से दैट ओके, सो थ्योरेटिकल मास अगर हम देखें, यानी कि मास ऑफ एल्यूमिनियम 13 and 26 प्लस 0 and 1, so that is 25 9 8 6 8 9 5, and this is न्यूट्रॉन का मास हम लोगों ने लिखा है 1.008668665, so this is how it is now. So अब अगर हम ये मैंने डाटा में तो ये 9 1 था, सो यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, 0086 लिख लिया था, यहाँ पे एक 516 हो जाता, चलो कोई बात नहीं, आई मीन दैट्स ओके, एंड दिस वी कुड हैव टेकन हियर 5, ये छूट गया था एक डाटा है ना, 1 and that 5, तो यहाँ क्या हो जाता 9 और 6 15 कहा था हमने, ये 6 था हमारा, ठीक है, फॉलो इट। सो समथिंग लाइक दिस 40.961250 ना होकर के यहाँ पे 6 हो जाता है, 16 - 8 दैट इज 8 होता, फिर यहाँ पे थोड़ा सा बाकी सारे डाटा सेम हो जाता तो यहाँ 8 होता, ये 8 होता, सो ऑलमोस्ट तब भी हमारे पास सेम आंसर निकल के आता है। ऑल राइट, सो हियर इन दिस केस इफ यू आर समिंग, सो दिस कम्स आउट नाउ 10 9 6 15 और 1, दैट इज 6 हियर, ठीक है जी, एंड 8 से 16 and 1 5, 6 8 15 and 5 6 14 and 1 5 15, and this is 9 and this is 9, okay, and this is 26.99, something like this. So this result is 26.995560. तो डेल्टा मगर निकालने जाएंगे हम तो क्या आएगा, 26.995560 60 -26.981541,
दैट्स हाउ इट इज टू बी देयर, यानी कि इस इनको जोड़ने से ये थ्योरेटिकल मास है और ये प्रैक्टिकल मास है। तो ये डेल्टा एम की वैल्यूज आप निकालेंगे तो आएगा कितने बराबर भाई, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी देयर एक तरीके से आपको 9955 60 और क्या माइनस करना है, 9998981541 ये माइनस करना है। सो दिस इज 9 एंड 5 माइनस 4 1, यस दिस इज 10 में से एक गया 9 एंड 5 माइनस 4 दैट इज 1 0 एंड दिस इज 4 1 0। सो दिस इज, तो अगर आप इसको माइनस करें तो दिस डाटा इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 0.014019, दिस इज हाउ द डेल्टा एम इज। तो अब एनर्जी की बात करेंगे तो हम यहाँ पे ये एनर्जी कितने के बराबर निकल के आएगा, 0.014019 दिस इंटू 931.5, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं ना इससे ये बड़ा डाटा निकल के आएगा। सो लेट्स डू दिस कैलकुलेशन। सो दिस इज 13.058 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो वी कैन राइट इज दिस इज 13.06 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाइक दिस, ये एनर्जी आ गया। सो आप समझ गए मेरी बात कि कैसे बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए। सो मींस एक तरफ हमें ये समझना पड़ेगा कि जो कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल मास माइनस प्रैक्टिकल मास, फिर डेल्टा एम निकालते हैं और फिर एक न्यूट्रॉन निकालना था, यहाँ जो मैंने बात कही कि आप इसमें से ये मास घटा करके आप आंसर मत निकाल देना क्योंकि ये भी प्रैक्टिकल मास है, ये भी प्रैक्टिकल मास है, इसमें से कोई भी थ्योरेटिकल मास नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसमें से इसको घटा करके आंसर नहीं निकाला जा सकता, समझ गए मेरी बात। सो दिस कॉन्सेप्ट इज डन, नाउ वी टॉक अबाउट वी आर गोइंग टू डू लाइक हम लोगों ने मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी पे जो बेस क्वेश्चंस थे हम लोगों ने कैसे उसको एग्जीक्यूट किया ये भी आप देख रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्यू वैल्यू ऑफ द प्रोसेस। क्यू वैल्यू के ऊपर हम लोग अब क्वेश्चंस करेंगे, वी आर गोइंग टू डू क्यू वैल्यू पे जो क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन क्यू वैल्यू। सो इफ ए प्लस बी इज बिकमिंग सी प्लस डी देन क्यू वैल्यू इज एम ऑफ ए एम ऑफ बी माइनस एम ऑफ सी माइनस एम ऑफ डी, यानी कि इनका इनका वही थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल मास माइनस मैंने इनका मास और इसका मास लेकर के माइनस कर दिया, मास डिफेक्ट आ गया, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये की वैल्यू तो प्रोसेस हो गया। सो एक क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर दिस इज दिस दिस टू आर मेकिंग दिस प्रोडक्ट्स आफ्टर रिएक्शन देन क्यू वैल्यू ऑफ द प्रोसेस इज टू बी फाउंड लाइक दिस। अब फ्रॉम द बिलो डाटा find given equations, given reactions Q value and state whether exothermic or endothermic. यानी कि हमारे पास ये रिएक्शन दे रखा है, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, और इन रिएक्शंस के बारे में हमें बताना है, इनका Q values निकालना है और हमें बताना है कि ये exothermic है या endothermic है। तो यहाँ पे हमारे पास 1H1 है, 1H3 है and this is being 1H2 and 1H2, right? 1H1, 1H3, 1H2, 1H2. This is what it is going to like, ये हो रहा है यहाँ पे। तो ये 1H2 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, 1H3 की वैल्यू दे रखी है, 1H1 की वैल्यू दे रखी है, is that okay now? फिर यहाँ पे 6C12 का मास दे रखा है, नियॉन का मास दे रखा है और अल्फा पार्टिकल का मास दे रखा है। तो हमें यहाँ पे Q वैल्यूज निकालना है, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, इन दोनों का मास हमें मालूम है, इन दोनों का मास मालूम है भाई, दिस इज फॉर्मिंग दिस, तो भाई हमें इसका मास मालूम है। अब हम लोग मास डिफेक्ट निकाल करके सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू वैल्यूज निकालेंगे और फिर अगर वो क्यू वैल्यू पॉजिटिव हुआ इट मींस इट इज एक्सोथर्मिक एंड इफ क्यू वैल्यू इज कमिंग नेगेटिव इट मींस इट इज एंडोथर्मिक, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो ये कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने समझा हुआ है, सो लेट मी सेपरेट दिस, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं पहले and then we'll solve it here. So let's go for this. So see, I said that कि हमें Q value पे question मिलता है और हमें Q values निकालना होता है और exothermic endothermic भी पूछा जा सकता है और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो इसमें से एक type का question मैंने यहाँ लिया। So ली इस part को solve करते हैं हम लोग, तो इस part को solve करने में right मैंने ये देखा कि NCERT का question लिया हुआ है और ये question number 13.15 है।
अब यहाँ पे 1H1, 1H3, 1H2 और 1H2 चाहिए, तो 1H2 की वैल्यू दे रखी है हमारे को और 1H1 और 1H3 का मास दे रखा है। सो लेट्स सी हियर, सो 1H3 का मास मास एंड 1H1 का मास निकालते हैं। सो मास ऑफ 1H3 प्लस प्लस मास ऑफ 1H1 करते हैं तो ये कितने के बराबर आता है, दिस इज हाउ मच। सो वी आर राइटिंग 3.01। ये देखो ये बहुत छोटा लिख दिया मैंने, दिस इज 6649, 6649 ठीक है। और ये 1.007825 है ठीक है जी। चलो आई उम्मीद कर रहा हूँ पढ़ ले रहा हूँ, थोड़ा बड़ा करके पढ़ लीजिएगा आप। दिस इज 3.016, 3.016649, 1H3 एंड दिस इज 1.007825। तो सम किया तो ये क्या है भाई, इन दोनों को सम करना था, तो ये 9514, 426 एंड 17, 6814 एंड 6713 और 114 एंड दिस इज 1 और 1 2 एंड दिस इज 0 और दिस इज 4, 4.0, दिस इज रिजल्ट आ गया। नाउ 1H2 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास इतना, सो 1H2, 1H2 का जो मास है उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या होएगा, क्योंकि आपको ये 2 है ना यहाँ पे, सो दैट कम्स आउट 2 × 2.014102, दैट कम्स आउट 4.028204 ठीक है ना, 4.028। यस, अब आप जरा गौर से देखें, तो थियोरेटिकल मास आपके पास ये है, आई मीन ये मास इधर है और ये मास इधर है। अगर मैं आपसे डेल्टा एम निकालने की बात करूं तो वो क्या होएगा, 4.024, 4.024, 4.024 एंड 4.74 एंड माइनस 4.028 204 लाइक। नाउ दिस मास इफ यू आर गोइंग फॉर इट लुक्स लाइक दिस मास इज बिगर। अब डेल्टा एम नेगेटिव आ रहा है, सो ऑब्वियसली क्यू वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा, एंडोथर्मिक होएगा। आप समझ गए मेरी बात। अब यहाँ पे आपको इसको माइनस करना है, सो 4 में से ये 4 माइनस किया दैट इज 0, इस 4 में से ये 4 माइनस किया 0 जी। ओके ऐसे कर लो, नहीं तो बहुत 02 8204 और यहाँ पे रख दो 4.024474 राइट, ये माइनस कर दिए। सो दिस इज 0, 10 में से 7 गया 3, 11 में से 4 गया 7, 11 में से 4 गया 7, 8 में से 4 गया 4 और फिर ये 2 में से 2 गया 0 0 0। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, 0 पॉइंट यानी कि मास डिफेक्ट आपका आया माइनस ऑफ 0.004730। ये आपके पास रिजल्ट आया भाई यहाँ पे इस केस में ठीक है, ये 0 यहाँ किसी काम का नहीं। तो आपका डेल्टा एम निकल आया, दिस माइनस में आया जी। सो एनर्जी जो आप पूछ रहे हैं यहाँ पे, यानी कि क्यू वैल्यू की बात करें, एनर्जी ऑफ प्रोसेस दैट इज क्यू वैल्यू ऑफ प्रोसेस की बात करें, यानी कि क्यू वैल्यू की बात हो रही है, तो क्यू वैल्यू ऑफ दिस दैट इज एनर्जी ऑफ द प्रोसेस, दिस इज इक्वल टू नाउ माइनस 0.004730 × 931.5 mV। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए और आंसर हो गया आपका, ये आंसर हो गया। सो इट इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक समझ गए आप राइट। सो क्या सीख रहे हैं, क्यू वैल्यू कैसे निकाला जा रहा है, एक तो भाई मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी थ्योरेटिकल मास माइनस प्रैक्टिकल मास करके किया। यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ पे मास डिफेक्ट निकालना था तो कैसे निकाला हमने, भाई इसमें एक न्यूट्रॉन को हमने रख करके बोला कि ये थ्योरेटिकल है और ये प्रैक्टिकल है, ऐसे करके ये हमने यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी से निकाला। लेकिन जब अगर क्यू वैल्यूज निकालना है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो दे रखा है, तो लेफ्ट हैंड साइड का मास माइनस राइट हैंड साइड का मास, That is what we are trying to talk about it.
एंड फिर उससे हम जो निकालते हैं दैट डेल्टा एम निकल के आता है, डेल्टा एम पॉजिटिव है तो भाई ठीक है, वो जो बाइंडिंग आई मीन जो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर जो आएगा, क्यू वैल्यू ऑफ द प्रोसेस निकल के आएगा, दैट विल बी पॉजिटिव मीन्स एक्सोथर्मिक है, और निगेटिव है तो एंडोथर्मिक, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो ये हमने सीख लिया। अब यहाँ पे अगर निकालने चले तो क्या होगा, 6C12, 6C12 यानी कि इनको दो बार आपको मल्टीप्लाई करना है, और ये दोनों का मास सम करना है। सो अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड का मास देखें तो लाइक ट्वाइस ऑफ मास ऑफ 6C12 की बात करें, सो दैट कम्स आउट 24 इंटू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 मच यू राइट। और मास ऑफ नियोन दिस 20, और प्लस मास ऑफ 2He4 ये करें तो ये कितने के बराबर होगा, तो दिस इज 19.99249U है ना, ये यू लिखा हुआ है, ये कहीं गलती से जीरो मत पड़े, तो दिस इज यू राइट। सो दिस इज ये इसकी वैल्यूज है, 3, 3, 6 डिजिट, और इधर है 4.12, दिस 002603U। अब आप इनको सम करिए, 9312 एंड दिस इज 3, 9312 एंड 3 और 1 4 हो गया ये, सॉरी दिस इज 4 एंड 4 6 10 एंड 2 2 4 और 1 5, दिस इज 9, दिस इज 9 और नाउ 9 4 13 एंड दिस इज 23, 23.999 दिस है, इधर 24 है। तो यू नो लेफ्ट हैंड साइड का मास ज्यादा है राइट हैंड साइड से, तो डेल्टा एम और जो ये क्यू वैल्यूज निकालोगे, सो क्यू वैल्यू की बात करें अगर हम, सो दैट कम्स आउट 24 दिस माइनस दिस, तो यहाँ पे कर ही लो, तो 24.12345 6, दिस इज 23.995042 राइट, माइनस करना आप, तो क्या हुआ, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 एंड दिस इज 0 0। तो व्हाट कम्स आउट, दिस इज 0.004958 दिस इनटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन, हो गया खत्म। सो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो और दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, सो इट इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। सो बच्चा की वैल्यू कैसे निकलता है ये भी सीखा आपने, एंड ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक कैसे डिसाइड किया जा रहा है दैट यू हैव लर्न। आपको सिर्फ पोर्शन करना नहीं सिखाया जा रहा, कॉन्सेप्ट भी बताया जा रहा है और कैसे जो आपने पढ़ा हुआ कैसे उसको रिलेट किया जा रहा है। आई होप यू गॉट इट नाउ, यस सर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस न्यूक्लियस कैन डिके बाय इमिटिंग पार्टिकल्स मोर मैसिव देन अल्फा पार्टिकल, समझ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में न्यूक्लियस अल्फा के बजाय अल्फा से भी भारी पार्टिकल को वो रिलीज कर सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग डीके प्रोसेस ऐसे, एंड कैलकुलेट क्यू वैल्यू फॉर दिस डिकेज एंड डिटरमाइनिंग कैलकुलेट की वैल्यूज ऑफ दिस डिकेज एंड डिटरमाइनिंग दैट बोथ आर एनर्जेटिकली अलाउड। मतलब एनर्जेटिकली अलाउड का मतलब कि भाई इधर का मास इससे निकालोगे तो भाई अगर ये मास बड़ा होगा इन सब के, ये मास बड़ा होगा इस इनके मास से, तो भाई एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जेटिकली क्या होगा, अलाउड होगा, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। सो नाउ अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ डाटास दिए होंगे विच आई हैव फॉरगेटन टू रिटन राइट हियर जस्ट फॉर यस गाइस। सो आई हैव गूगल दिस ऑल इंफॉर्मेशन एंड एनसीईआरटी की बुक में इन सारे का लाइक कहीं पे मैंने देख लिया, किसी का भी प्रॉपर वैल्यूज नहीं थी, तो गूगल करके मैंने ये डाटा निकाला आपके लिए। सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर ये रेडियम जब लेड और कार्बन 14 दे रहा है एंड दिस इज रेडॉन रेडियम रेडॉन और हीलियम दे रहा है, तो हमें ये प्रूव करना है कि पहले तो इनकी क्यू वैल्यूज निकालनी है,
ऑफ एंड डिटरमाइनिंग दैट द बोथ आर एनर्जेटिकली अलाउड, मतलब अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब एनर्जेटिकली दिस इज पॉसिबल. सो दैट्स वॉट वी हैव टू फाइंड इट आउट. तो क्यू वैल्यू से आप देख रहे हैं कि मतलब आप एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक तो पता कर ही रहे हैं, साथ साथ क्यू वैल्यूज कैसे निकाल रहे हैं ये भी देख रहे हैं, साथ साथ आपको ये भी पता चल रहा है कि एनर्जेटिकली अलाउड हो रहा है या नहीं हो रहा. क्यू वैल्यू के और भी काम होंगे जो आगे के क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे. सो द फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पार्ट. सो 88 रेडियम 223 इज बिकमिंग दिस एंड दिस. तो यहाँ पे रेडियम का ये मास दे रखा है एंड लेड का मास हमने ये निकाल रखा है और कार्बन 14 का मास हमने ये निकाल रखा है. तो हम क्या करेंगे, लाइक क्यू वैल्यूज अगर निकालेंगे हम इसके लिए, तो क्यू वैल्यू फर्स्ट पार्ट के लिए, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सो विल बी राइटिंग 20, लाइक पहले पहले हम लिखेंगे 23.0185. फोर डिजिट है यहाँ पे देख रहे हैं, 5 डिजिट है और कार्बन के भी 2 और ये 6 डिजिट हो गया. तो हम लोग क्या करेंगे, लाइक 1, 2, 6 डिजिट ऐसे कर लेते हैं, बस बढ़ा के 1 0 रख के ऐसे ले लेते हैं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं. दिस माइनस, ठीक है जी, ये माइनस करते हैं हम लोग और ये चलो पहले एक बार ऐसे लिख ले, दिस एंड दिस कम्स आउट नाउ 208.98109 और फिर 14.003241 है ना, और यहाँ पे 5 डिजिट है और ये 6 डिजिट हो गए, तो यहाँ 1 0 लगा देते हैं हम लोग. दस दिस इज व्हाट वी कैन डू इट हियर. बच्चे आप समझ गए मेरी बात, यस. तो ये मैं करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको शॉर्ट में सिर्फ इतनी सी बात बता के भी छोड़ सकता था. आई वॉन्ट यू टू सॉल्व द क्वेश्चन, सीखो और समझो. सो 223 दिस, ये इसका मास दे रखा है, ये इसका मास और इसका मास दोनों को सम करके और इसमें हमने माइनस कर दिया. दिस इंटू राइट 931.5 निकाल देंगे, इतना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आएगा हमारा ये फर्स्ट का. तो अब हमें ये सिर्फ सॉल्व करना रह गया और ये सॉल्व करके देखते हैं कितना होता है. सो लेट मी कैलकुलेट फॉर यू. आफ्टर कैलकुलेशन दिस वैल्यूज कम्स आउट 0.034169 दिस इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज हाउ इट इज. इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. जीरो पॉइंट जीरो थ्री फोर वन सिक्स नाइन एंड इनटू दिस इज 931.5, दिस कम्स आउट 31.828 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज हाउ द फर्स्ट कम्स आउट, राइट. एंड नाउ विल टॉक अबाउट द सेकेंड वन. अगर सेकेंड वन के हिसाब से चलें तो अगेन विल टॉक अबाउट दिस 223 का जो मास है, यानी कि दिस क्यू वैल्यूज अब अगर हमें निकालना है सेकेंड केस में, सो दिस इज 223.018500. दिस माइनस, नाउ दिस इज वॉट इज कमिंग आउट, नॉट लेड, दिस इज रेडॉन कमिंग आउट और रेडॉन इज 219.00948 एंड दिस इज यू 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 एंड यू, राइट, ऐसे लिखा होना चाहिए. तो यहाँ पे देखो 2 और 4 डिजिट हमने ले लिए यहाँ पे, यहाँ पे दिस इज 0185 00. हमने यहाँ पे ये इसमें कितना हमारे पास 2, 3, 5 डाटा यहाँ दे रखा है रेडॉन के केस में 2 और. सो व्हाट वी कैन डू इज, ठीक है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, 02223 0.0185 05 डिजिट बना लेते हैं इसको, ठीक है, 5 डिजिट बना लिया और दिस इज 0 प्लस कैसे कर लिया, इसको भी 5 डिजिट वाली वैल्यूज रख दो, इसका हीलियम का है ना. विल टेक नाउ दिस टाइम हीलियम वी हैव टू, तो हीलियम का डाटा हम लोगों ने भी निकाला था, हीलियम इज 4.00260 4.00260
दिस इज 4.00260, दिस इज व्हाट इट इज, दिस इनटू 931.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप कैलकुलेट कर लेंगे आई होप, ये भी वैल्यूज आएगी और इस तरीके से। सो व्हाट डू यू लर्न हियर, क्या सीखने लायक बात है, समझ रहे हैं कि कैसे क्यू वैल्यूज यहाँ निकाल रहे हैं, और एनर्जेटिकली अलाउड होने का मतलब समझ गए कि ये भी पॉजिटिव आएगा और दिस इज पॉजिटिव अलाउड है, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, समझ गए। अब क्यू वैल्यूज पे जो ये क्वेश्चन है, फाइंड क्यू वैल्यू एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड अल्फा पार्टिकल इन अल्फा डिके ऑफ दिस, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। सो रेडॉन जो है 88226, ये एक अल्फा फायरिंग करता है, तो जब ये अल्फा फायरिंग करेगा तो उस केस में अल्फा क्यू वैल्यूज भी निकालना है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड अल्फा पार्टिकल निकालना है। रेडॉन है, ये रेडॉन जो है एक अल्फा फायरिंग करके पोलोनियम बनता है, और फिर उस केस में जो अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है उस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बननी है, और यहाँ पे रेडॉन अल्फा फायर करने के, रेडियम अल्फा पार्टिकल फायर करने के बाद क्या बनता है, रेडॉन बनता है। सो लेट्स डू दिस, अब इसको देखते हैं कि कैसे काइनेटिक एनर्जी हम लोग इसका अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, तो सीखने की बात है सब क्वेश्चंस के थ्रू। सो नाउ हियर, रेडियम और रेडॉन का मास दे रखा है, यहाँ रेडॉन एंड पोलोनियम का मास दे रखा है, सो पहले इक्वेशंस लिखेंगे हम लोग। सो दिस इज रेडियम 88226 एंड इट हैज फायर्ड राइट अल्फा पार्टिकल बाय गिविंग रेडॉन एज अ डॉटर न्यूक्लियाई एंड दिस इज अल्फा 24। ओके, तो अब इसकी क्यू वैल्यूज की बात करेंगे, तो ये क्यू वैल्यूज क्या होएगा इसका, सो क्यू वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट, सो दैट क्यू वैल्यू इज नाउ हियर, द मास इज 226.02540 माइनस, इसकी वैल्यूज लिखें तो 222.01750 और अल्फा का 4. अभी हम लोग लिखा 4.00260, ठीक है, 4.00260, 4.00260, दैट्स हाउ वी विल टेक इट, यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ। अब दिस इनटू 931 और इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देते हैं, 931 एंड 0.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्यू वैल्यूज आ गया हमारे पास, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो लेट मी राइट इट्स वैल्यू, सो दिस इज नाउ, ये सॉल्व करने पे आया 0.0053 एंड दिस इज 931.5, तो ये 4.93 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, न्यू वैल्यूज हमने निकाल दिया। और अब आपको मैंने पढ़ाया था कि अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर आपको चाहिए यहाँ पे, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, आपको फॉर्मूला पढ़ा है, ए माइनस 4/a दिस इनटू क्यू वैल्यू, यस याद होगा। सो नाउ दिस इज 4.93 ए माइनस 4, सो व्हाट इज ए, ए इज ए माइनस 4 मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 222, so this is 222 this right and here this a is equal to 226, that's all, so by ye 4.93 into 222 this upon 226 aise kar denge to iski kinetic energy nikal ke aayegi, to ye kitna hai bhai ye calculation, just let me solve this, if you divide this, this is 4.93 into this is this is upon आप 226 करेंगे तो ये रिजल्ट आ रहा है 1096.0029, दिस डिवाइडेड बाय 226 सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ रहा है 4.849 समथिंग, तो यानी कि आप इसको 4.85 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ये आपने क्यू वैल्यूज निकाली अल्फा पार्ट, आप समझ में आ रहा है कितना आसान हो गया अगर ये फॉर्मूला जानते हैं तो, वरना आपको पूरा डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है, yes that's what the point, इसलिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई किया, so right, और इसका डेरिवेशन आपने देख लिया होगा, इसका डेरिवेशन हमने किस लेक्चर में किया है, we have done in lecture number अल्फा फायरिंग यानी कि 2 में किया हमने, लेक्चर नंबर 2 में किया, yes लेक्चर नंबर 2 में किया, so now here we are talking about कि अब इस केस में कैसे निकालेंगे, तो एक तरीके से रिपीट होना है, so you can do it now, ठीक है, आप यहाँ से इसको रिपीट कर लीजिए इसी कॉन्सेप्ट को,
सेम ऐसे निकालिए और फिर ऐसे करके सॉल्व कर लीजिए. आई होप यू गॉट इट नाउ. नाउ लेट्स गो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट यू सी द रेडियो रेडियो न्यूक्लियाइड. द रेडियो न्यूक्लियाइड 6C11 डिकेज अकॉर्डिंग टू 6C11 बोरोन 5 5 11 एंड पॉजिट्रॉन बाहर आया और न्यूट्रिनो बाहर आया और इसका टी हाफ 20.3 मिनट्स है. कहा जा रहा है कि अगर कोई रेडियो न्यूक्लियाइड 6C11 कार्बन 11 आइसोटोप जो है अगर बोरोन फायर करा और पॉजिट्रॉन दे रहा है और न्यूट्रिनो बाहर आ रहा है, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड पॉजिट्रॉन इज दिस मच. यानी कि इस न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो पॉजिट्रॉन बाहर आ रहा है उसकी एनर्जी 0.960 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एक्सपेरिमेंटली. तो इफ डाटाज आर लाइक लाइक यानी कि 6C11 का मास ये दे रखा है और 5 बोरोन 11 का मास ये दे रखा है. दिस इज हाउ इट इज गिवन. कैलकुलेट क्यू वैल्यू एंड कंपेयर द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड पॉजिट्रॉन. यानी कि हमें इसका क्यू वैल्यूज निकालना है और हमें इस डाटा से क्यू वैल्यूज के हिसाब से हमें पॉजिट्रॉन की एनर्जी भी निकालनी है. ओके, सो सी हाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हियर. कायदे से कोई न्यूक्लियस अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर दे रहा है, यू नो, अब मैंने हम लोगों ने अभी तक तो पढ़ लिया कि ये जो इस तरीके से डाटा लिखा होता है ये क्या लिखा हुआ होता है. दिस इज रिटन फॉर एटम्स, एटम के नजरिए से लिखा हुआ है ना. दिस डाटा इज रिटन फॉर एटम का मास दे रखा है ना. अभी तक तुम लोगों ने यही समझा है. सो नाउ बट यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि ये जो हम लोगों ने किया की वैल्यूज निकाला, यहाँ पे जो दे रखा था उसके हिसाब से सीधा सीधा जो एक्सपेरिमेंटल डाटा था उसके हिसाब से दे के रख लिया. यहाँ पे हमें कोई न्यूक्लियस उक्लियस का कुछ नहीं रखा हुआ ऐसे निकालना है. और ये पता है कि हमें ये एटम का मास दे रखा है, तो की वैल्यूज निकालते समय जो रिएक्शन दे रखा है उसमें जो डाटा दे रखा है उस डाटा का जो मास दे रखा है उस मास को लेकर के हम चल रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं. सो नाउ हियर इन दिस केस, ठीक है, मैंने आपको ये क्वेश्चन खुद बोला है करने के लिए, बिल्कुल इसी तरीके से आप करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा. ठीक है जी. नाउ हियर आई एम सेइंग कि अगर हमें न्यूक्लियस में सपोज कर लो कोई न्यूक्लियस है और वो न्यूक्लियस एक पॉजिट्रॉन दे रहा है, लेट्स राइट लाइक दिस. सपोज कर लो एक एक न्यूक्लियस है एक्स, ऐसे समझा रहा हूँ, एक्स जेड एंड दिस इज ए एंड दिस न्यूक्लियस हैज गोन टू वाई एंड दिस इज नाउ पॉजिट्रॉन दे रहा है. पॉजिट्रॉन दे रहा तो जेड माइनस वन हो गया और यहाँ ए हो गया और देन वी आर सेइंग ई पॉजिटिव उसने दिया और ये आया तो इसके साथ न्यूट्रिनो आएगा. एंड सपोज कर लो कि भाई वी आर सेइंग दैट कि ये न्यूक्लियस का मास है इसके, ठीक है ना, ये इसके न्यूक्लियस का मास है, ये इसका है और ये पॉजिट्रॉन दिया. सो व्हाट आई वांट टू से फर्दर हियर, यस, तो अगर ये सपोज ऐसे है तो अगर हमें यहाँ पे इसका क्यू निकालना, क्यू वैल्यूज निकालना है या मास डिफेक्ट, मास क्यू वैल्यू मतलब मास डिफेक्ट इनटू दिस, मैंने लेफ्ट हैंड साइड का मास माइनस राइट हैंड साइड का मास जैसे करते हैं हम लोग, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा. इफ यू गो लाइक दिस, भाई ये जेड है और जेड माइनस वन ए है, ये कुछ इस तरीके से आया. सो इन दैट सिचुएशन व्हाट वी नीड टू डू इज मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एक्स, मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एक्स माइनस, लुक एट दिस, मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एक्स माइनस सम कर लेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ वाई, मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ वाई प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस. और ऐसे करके हम डेल्टा एम निकालेंगे ना. डेल्टा एम इज टू बी फाउंड लाइक दिस. यानी कि भाई इसका मास और इसके न्यूक्लियस का, आप ध्यान रखेंगे रेडियो न्यूक्लियाइड है ये देता है और ये एनर्जी बाहर आती है. और फिर डाटा आपको जो दे रखा है, ये जो दे रखा है और ये दे रखा है, ये किसका मास दे रखा है, ये आपको दे रखा है एटम का मास दे रखा है. दिस इज गिवन मास ऑफ एटम, ये एटम के मासेस हैं और न्यूक्लियस के हिसाब से चले तो ऐसे होगा और हमें इन डाटा के हिसाब से इसको यूज करना है. तो ये सीखना है हमें यहाँ पे. तो अगर न्यूक्लियस लाइक डेल्टा निकालना है, अगर ये न्यूक्लियस होता एक्स का न्यूक्लियस का मास और फिर ये और इसका इसके न्यूक्लियस का मास, और चूंकि इसके न्यूक्लियस ये बाहर आया तो ऐसे कर लेते और ऐसे करके डेल्टा एम निकाल लेते, ऐसे करके सॉल्व कर लेते.
लेकिन हमें इसका न्यूक्लियस का मास तो दे नहीं रखा, हमें इसका तो दे नहीं रखा, अब क्या करेंगे? सो इन दैट सिचुएशन वी विल गो लाइक दिस। सो विल गो लाइक दिस, कैसे? ये तो देखो, सो इसके न्यूक्लियस के मास में, अगर इसका जेड है एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, इसके न्यूक्लियस के मास में अगर मैं जेड जितना नंबर ऑफ जेड जो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन है, अगर मैं जेड इलेक्ट्रॉन का मास इसमें जोड़ दूं, तो ये क्या बन जाएगा? जरा ध्यान से देखना, मास ऑफ दिस न्यूक्लियस ऑफ एक्स, ध्यान से समझना, दिस प्लस मास ऑफ मैंने इस पे ऐड किया है, क्या? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू, ऐसे लिखेंगे, देखो ये गलत होते जा रहा था तो उसको ठीक करते हैं। यस, सी हाउ इट इज बीइंग रिटन, ठीक से समझना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास, और इसमें मैं इनटू जेड, यानी कि जेड नंबर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है जी, और फिर इसमें घटा दिया जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, समझते जाइए पहले, ठीक है जी भाई। ये जो डाटा था, इस डाटा में हमने जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या किया? ऐड कर दिया, और फिर जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को घटा दिया। विशुद्ध रूप से सेम चीज होगा, ओके फाइन। एंड यहाँ माइनस करके, अब यहाँ देखो, फिर मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ वाई करना हमें, दिस वी हैव टू डू। सो मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ वाई, फिर सिमिलरली, अब ये जो है इसके पास तो जेड माइनस वन भाई एटम प्रोटॉन नंबर है, तो जेड माइनस वन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन अगर हम इसमें ऐड करेंगे, तो विल ऐड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू कितने इलेक्ट्रॉन का? जेड माइनस वन का, ठीक है जी, और फिर माइनस कर देंगे कितना? जेड माइनस वन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलेगा? ये सेम बात हो गई, दिस दिस और माइनस प्लस माइनस, तो यानी कि माइनस माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको लग रहा है कि मैंने इसके जगह पे, इस पूरे के जगह पे, यू सी हाउ आई एम राइटिंग, इसके जगह पे मैंने ये लिखा है, ठीक है, इसके जगह पे हमने ये लिख दिया, और माइनस प्लस माइनस होना था, ये ऐसे आ गया, और अब हमने यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रैकेट डाला, दिख रहे हैं आप? क्योंकि ये हमारे पास न्यूक्लियस का डाटा नहीं दे रखा है, ये हमें एटम का डाटा दे रखा है, क्योंकि सारे हमारे पास डाटा इस तरीके से जो एटम के दे रखे हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तुम कहोगे एटम के डाटा दिया, और यहाँ पे मैंने आपको ये बात बताई ना कि इस जगह जब क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे ये एटम का दे रखा था, तो आपने क्या किया, ये न्यूक्लियस का जोड़ा, क्योंकि ठीक है ना भाई, जो एटम था उसमें, ये मैंने समझाया था कि जितना यहाँ पे है उतना अगर हम इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दें, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, अगर इसको न्यूक्लियस मान रहे हैं तो, और अगर एटम मान रहे हैं तो हम फिर उतना माइनस कर दें, माइनस करें, फिर माइनस करें, तब भी बात सेम होगी, बट हम लोग वी हैव टेकन इट एज अ एटम, और उसके हिसाब से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। आई होप यू गॉट इट। एंड यहाँ सारे क्वेश्चन हम लोगों ने जैसे सॉल्व किया है, आपके मास लेकर के किया है, आई होप टोटली अंडरस्टैंडेबल है। सो नाउ हियर इन दिस केस आई वाज सेइंग कि हमने इसको ऐसे कर लिया, जरा खोल के देखते हैं ये क्या बनता है बेटा, आई मीन दिस इज व्हाट इट कम्स आउट। सो ये मास ऑफ, ये तो बन जाएगा एटम हो जाएगा, किसका भाई? जेड, इसके पास न्यूक्लियस का मास ये था, और इसमें जेड प्रोटॉन नंबर, जेड इलेक्ट्रॉन नंबर जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा? यानी कि एक्स का एटॉमिक नंबर, यानी कि एक्स का एटम का मास हो जाएगा, यानी कि मास ऑफ एक्स हो जाएगा, यानी कि अब ये न्यूक्लियस नहीं लिखूंगा, ये मास ऑफ एक्स हो गया, है ना, मास ऑफ एक्स एटम हो गया। फिर इसको ये यहाँ से बच रहा है, देख रहे ना, माइनस जेड इंटू एम ई, ये रहने दो ऐसे, ठीक है जी, ओके। फिर इस पूरे को आप क्या लिख सकते हैं भाई, इसमें से इसको आप क्या लिख सकते हैं? नाउ दिस यू कैन राइट माइनस मास ऑफ वाई, यानी कि वाई एटम का मास हो गया, ठीक है ना, वाई के एटम का मास हो गया, ऑलराइट। फिर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, व्हाट इज इट नाउ? जेड माइनस वन एम ई हो गया, एंड दिस इज माइनस, और ये ऑलरेडी ये माइनस हो गया, ये माइनस सेम ही लिखा हुआ, ठीक है ना, ये माइनस प्लस माइनस, माइनस सेम ही लिखा हुआ, चलेगा? नाउ लुक एट दिस हियर, ये जेड एम ई और जेड माइनस वन एम ई है, यानी कि ये एक्स एटम है और ये वाई एटम का मास दे रखा है। तो अगले स्टेप में आप जरा समझिए ये क्या हुआ, मास ऑफ एटम एक्स एंड दिस माइनस मास ऑफ एटम वाई, ठीक है जी,
और देखो जेड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और जेड -1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन बच गए भाई, ये माइनस में और ये प्लस में है, माइनस जेड एम और प्लस जेड -1, यानी कि एक एम ई बचेगा यहाँ पे और एक एम ई यहाँ बचेगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। बच्चे बात समझ में आई, यानी कि इस रिएक्शन में हमें हमें इस रिएक्शन का क्या चाहिए था, इसमें ये रिएक्शन हुआ और इसमें पॉजिट्रॉन बाहर आया और इसकी इतनी एनर्जी है, और अगर डाटा ऐसा दे रखा है तो कैलकुलेट की वैल्यू और कंपेयर विथ मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड पॉजिट्रॉन, इस की वैल्यूज के हिसाब से हमें इसको कंपेयर करना है। तो अब ये हमने डेल्टा एम निकाल दिया, ठीक है ना, ये डेल्टा एम। अब अगर हमें क्यू वैल्यू चाहिए तो क्यू वैल्यू क्या निकल के आएगा जी, सो क्यू वैल्यू की अगर बात करें तो मास ऑफ एक दैट इज गिवन हियर 11.011434, राइट, और ये वैल्यू दे रखी है 11.009305। यस, यहाँ पे 3 और 3 6 डाटा है, इसमें भी 3 3 6 डाटा, राइट, और ट्वाइस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, अरे 0.000 एंड देन इट इज 5 5 समथिंग लाइक दिस, है ना, दिस इज हाउ वी नो अबाउट इट। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो 1 मिनट में इस दिस इंटू 931.5 करेंगे हम, ठीक है जी, तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है, लेट्स मे कैलकुलेट। सो सी, अगर मैंने इसको इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास डिटेल डिटेल आया, दिस इज 0.001 एंड 0.029 0.029, दिस इंटू 931.5, अभी कैलकुलेटर से चेक करते हो जो मैंने कर रखा है, एंड दिस वैल्यूज कम्स आउट 0.959585, तो यानी कि 9568, यानी कि 959 मान लो आप इसको, या 9585 लिखा हुआ है, दिस मच मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ऑलमोस्ट दिस डाटा इज 0.9585 है, तो या इसको 96 लिख सकते हैं, 960 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, आई मीन 585 है तो इसको 5 यू नो 8 है, सो दिस इज वी कैन राइट बाय दिस। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड दिस क्यू वैल्यू, एंड ये क्यू वैल्यूज निकाला हमने, है ना, इसको इसको इसमें से सम माइनस किया फिर, या सबको माइनस किया 931.5 से, तो ये रिजल्ट आया, ऑलमोस्ट दिस रिजल्ट कम्स आउट। व्हाट डू यू सी दैट क्यू वैल्यू ऑफ दिस प्रोसेस, यानी कि जब ये पॉजिट्रॉन बाहर निकल रहा है और उसका डेल्टा एम निकाल करके और क्यू वैल्यूज निकालते हैं, तो ये निकल के आ रहा है डाटा के हिसाब से। एंड हमसे कहा जा रहा है कि इस केस में जो पॉजिट्रॉन बाहर निकल रहा है उसकी मैक्सिमम एनर्जी क्या है, बट कायदे से ये तो क्यू वैल्यूज है, और ये क्यू वैल्यू होता क्या है, दिस क्यू वैल्यू इज डिवाइडेड इंटू दिस, फिर बोरोन को भी एनर्जी मिलेगा, पॉजिट्रॉन को भी मिलेगा और न्यूट्रिनो को भी मिलेगा। सो दिस एनर्जी, ध्यान से समझना, दिस एनर्जी इज टू बी गिवन गिवन एज काइनेटिक एनर्जी 2 2 5 b 11, राइट, प्लस, ठीक है, प्लस एंड पॉजिट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, राइट, इनको जाना है। अब बोरोन की मास ऑफ जो बोरोन है, मास ऑफ बोरोन जो है 5b11 इज मच मच ग्रेटर देन मास ऑफ बीटा पॉजिटिव, देयरफॉर इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी, और न्यूट्रिनो के पास तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा क्योंकि उसका मास ही ऑलमोस्ट जीरो है। सो इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो, यानी कि इस एनर्जी का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसको चला जाएगा, बीटा को चला जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पॉजिटिव अगर आप निकालेंगे, क्योंकि आपने इधर बोरोन की काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मानी, सो दिस इज गोइंग टू बी 0.960। सो जो इस डाटा से आपने कैलकुलेट किया है, इस डाटा से और जो ये निकाला, वो दोनों सेम है। आपको इस क्वेश्चन में क्या सीखना था, आपको इस क्वेश्चन में सीखना था कि अगर कोई इस तरीके का न्यूक्लियर रिएक्शन है तो उसमें जो पॉजिट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो अगर न्यूक्लियस के डाटा दे रखे हैं तो कीपिंग न्यूक्लियस डाटा ध्यान में रख के चले हम, तो इसको कैसे निकाल रहे हैं, दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ दिस एक्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ वाई एंड देन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना।
ये तरीका है इसको निकालने के लिए। और अगर एटम के मासेस के डाटा के फॉर्म में देख रहे हैं तो ये है, ये सबसे बड़ा लर्निंग है जो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से सीखने की जरूरत थी। यू नो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी केयरफुल, राइट? ये सीखा आपने, क्लियर हो गया पॉइंट? यस। नाउ वी आर, हमने अल्फा पार्टिकल का भी एनर्जी निकाल के देख लिया, बीटा पॉजिटिव भी निकाल लिया, तो की वैल्यूज के बेसिस पे एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। द न्यूक्लियस ऑफ दिस नियॉन 23 डिकेज अ बीटा इमिशन, राइट? राइट डाउन बीटा डीके इक्वेशंस, बीटा डीके इक्वेशंस एंड डिटरमाइन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड एंड गिवन दैट दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज, राइट? तो अब जरा देखो यहाँ पे ये नियॉन 23 है, देख रहे हैं आप, नियॉन 23 है एंड यहाँ पे सोडियम 11 दिखाया जा रहा है, और ये कितना दिखा रहा है, 10 है यहाँ पे और यहाँ कितना, 11। आपको ये लग रहा है कि बीटा इमिशन हुआ, सर हमें कैसे पता चलेगा कि पॉजिट्रॉन बाहर आया है या इलेक्ट्रॉन बाहर आया है? तो सी, 10 से यहाँ 11 हो रहा है। जब पॉजिट्रॉन बाहर आता है तब क्या होता है, यहाँ जितना जेड होता है यहाँ जेड माइनस वन हो जाता है, यस? बट जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो यहाँ जेड होगा तो यहाँ जेड प्लस वन हो जाएगा, समझ गए? अगर इलेक्ट्रॉन बाहर होता है यहाँ तो जेड था तो यहाँ जेड प्लस वन हो जाता है। तो ये चीज समझ करके आपको ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ये बीटा जो है ये इलेक्ट्रॉन वाला है। सो दिस बीटा इमिशन इज बीटा नेगेटिव इमिशन, बीटा नेगेटिव इमिशन है ये, ठीक है? कैसे पता चला, ये मैंने समझा दिया। नाउ लुक एट दिस, वी आर गोइंग टू से दैट कि 10 एनी 23 एंड दिस इज कमिंग सोडियम 11 23 एंड दिस इज बीटा -1 0, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो एंटी न्यूट्रिनो बाहर आता है, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, ऑब्वियसली एनर्जी होगा, है ना? दिस इज ऑल द पॉइंट इज। तो भाई इक्वेशन लिखना था, हमने लिख दिया, अब हमें इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है। क्यू वैल्यूज निकालेंगे तो क्या होगा, सो क्यू वैल्यू अगर आप निकालने जाएंगे तो क्यू वैल्यू इज गोइंग टू बी देयर। नाउ लुक एट दिस हियर, सी दिस मास एंड दिस मास। अब आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पे, अब हम पॉजिट्रॉन निकालने की बात नहीं कर रहे, वी आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड द पॉजिट्रॉन का, हम लोग यहाँ पे पॉजिट्रॉन बाहर नहीं निकाल रहे, यहाँ से यानी कि इससे एक बीटा पार्टिकल जो बाहर निकला वो क्या निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर की वैल्यूज निकालना है तो वी आर गोइंग टू राइट मास ऑफ, लेट्स टेक दिस मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ दिस नियॉन 23, राइट? नियॉन 23, राइट, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सोडियम 23, ठीक है जी, दिस, और ये प्लस मास ऑफ, चूंकि सोडियम 23 जो ये आया, और इधर जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको हम प्लस करते, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इंटू 931.5, की वैल्यू जैसे लिखना चाहिए। और अगर हम एटम के डाटा के हिसाब से लिखना चाहें तब क्या करेंगे, सो लुक एट दिस हियर, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का हमें, कितने इलेक्ट्रॉन का हमें यहाँ पे, क्योंकि भाई 10 है यहाँ पे तो हमें 10 इलेक्ट्रॉन का मास इसमें ऐड करना पड़ेगा, वी नीड टू हैव 10 10 इलेक्ट्रॉन्स का मास ऐड करना पड़ेगा। नाउ आई एम राइटिंग हियर मास ऑफ दिस न्यूक्लियस नियॉन 23 दिस प्लस 10 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये एक ऐसे बना दिया, ध्यान से समझना, दिस ऐसे ऐड कर दिया, फिर 10 इलेक्ट्रॉन का मास हमने ऐड किया तो यहाँ पे घटा देते हैं 10 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन घटा दिया, फिर माइनस, फिर यहाँ पे ये मास ऑफ न्यूक्लियस है भी सोडियम 23, तो इसको कैसे लिखेंगे, सो नाउ मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सोडियम, मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सोडियम 23, सोडियम 23, और यू नो इसका जो मास है इसमें हमें 11 इलेक्ट्रॉन का मास ऐड करना पड़ेगा, सो वी नीड टू ऐड 11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया, ठीक है जी? अब हमने इसमें 11 इलेक्ट्रॉन का मास हमने क्या किया, ऐड किया, ठीक है? तो इसमें हमें 11 इलेक्ट्रॉन का मास घटाना भी पड़ेगा, सो 11 मास इलेक्ट्रॉन हमने घटा दिए, एक मिनट कलर थोड़ा चेंज करते हैं,
11 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में घटा दिया। और अब देख रहे हैं आप यहाँ पे, और फिर इसको यहाँ पे ऐसे लिखा, यानी इस डाटा को ऐसे बना दिया, और फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए क्या हो रहा है, 931.5। यू विल बी वेरी हैप्पी टू सी दिस। सो लुक हियर, तो ये क्या बन गया हमारे लिए, व्हाट इज दिस हैज बिकम, मास ऑफ एटम बन गया, मास ऑफ नियोन 23, ये एटम हो गया, एटम हो गया जी, यस। और फिर ये भी क्या बन गया, ये क्या बन गया, मास ऑफ सोडियम एटम हो गया, मास ऑफ न्यूक्लियस दैट इज Na23 हो गया, करेक्ट, ये बन गया, ये बन गया। अब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन का मास है, -10 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। और फिर माइनस और माइनस, माइनस और माइनस व्हाट, दिस इज, ये ध्यान रखना, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट है, चलो समझ में आ रही बात, यस। सो दिस माइनस और माइनस व्हाट, 11 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट, और एक माइनस एम ई है यहाँ पे, करेक्ट, दिस इनटू एंड दिस इनटू 931.5। बेजोड़ बात है, न्यूक्लियस के हिसाब से चले, अगर न्यूक्लियस में डाटा दिया होता तो सीधा सीधा हमें यह करना था। और जब हम ऐसे लेके चल रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे वो कह रहा था, जब हम यहाँ बात कर रहे थे तो यहाँ जेड था या जेड माइनस वन था, ठीक है ना, यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ जेड है और यहाँ जेड प्लस वन है, इसकी वजह से इस फाइनल रिजल्ट पे बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है, देख रहे -10 ME -ME, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो फाइनली बचा क्या, यानी कि मास ऑफ एटम सोडियम आई मीन नियॉन 23 एंड दिस मास ऑफ एटम व्हाट, सोडियम 23, ये मैंने AA लिखना स्टार्ट कर दिया, मतलब एटम लिखना स्टार्ट कर दिया, वैसे कोई जरूरत नहीं है, अगर हम ये नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब भी, क्योंकि NCERT ने तो इसको उसके बगैर ही क्या समझा है, एटम बता रखा, ठीक है जी। सो न्यूक्लियस के लिए N लिखा हुआ, तो इसकी जरूरत हमें नहीं है, तो मैं भी यहाँ से हटा देता हूँ, वरना ये कंफ्यूजन पैदा कर देगा आप। सो आइडिया इज दैट कि ये मास ऑफ इस तरीके से हमने दिस और ये इंटू 931.5 कर दिया। सो कमाल का फर्क आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही सीखना था इस क्वेश्चन में, इसी चीज को सिखाने के लिए मैंने इसको चूज किया, यानी कि क्यू वैल्यू मैंने आपको दिखाया कैसे निकालते हैं, फिर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या चीज होता है, फिर एनर्जेटिकली कोई चीज अलाउ होती है नहीं होती है, अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कैसे निकल रहा है, बीटा नेगेटिव कैसे निकल रहा है, बीटा पॉजिटिव कैसे निकल रहा है, कैसे न्यूक्लियस है, कैसे क्या है, सो मेनी थिंग्स यू आर लर्निंग, राइट, एंड देन यू विल बी फ्री टू कैलकुलेट मेनी थिंग्स, राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो नाउ दिस इज, अब इसको कैलकुलेट करना हमें, तो ये डाटा हमें दे रखा है 20 ऑन दिस, और ये डाटा है यहाँ पे ऐसे दे रखा है, सो नाउ दिस इज 20.994466 एंड दिस इज योर 20.089770 दिस इनटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन। लेट मी कैलकुलेट दिस डाटा फॉर यू गाइस, व्हेन आई वाज कैलकुलेटिंग आई वाज गेटिंग अ वेरी रॉन्ग आंसर, राइट। सो व्हेन आई क्रॉस चेक देन आई कम टू नो दैट कि जो NCERT की बुक में ये जो डाटा दे रखा है दैट डाटा इज नॉट करेक्टली गिवन, दिस इज 20.98 होना चाहिए, इट शुड बी 20.98। तो अगर ये 20.98 होएगा, 20.98 होएगा तब जाकर के ये सही आंसर आएगा, ठीक है जी। सो दिस इज 20.98 दस, तो यहाँ पे 20.98 लिखना पड़ेगा और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये डाटा कैलकुलेट करने पे क्या आ रहा है अब बता रहा हूँ। सो दिस इज नाउ 4.374 एंड दिस इनटू 931, सॉरी ये गलत हो गया, दिस इज आई एम राइटिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हियर, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज कमिंग आउट, इनको आपस में माइनस करने पे आ रहा है 0.004
696 एंड दिस 931.5। अब इसको सॉल्व करने पे ये 4.37 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, विच इज द राइट आंसर गिवन इन द बुक। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये डाटा आपके बुक में सही लिखा हुआ नहीं है, राइट? दिस इज द राइट डाटा। इन बुक क्या लिखा हुआ है? इन बुक दिस डाटा इज रिटेन एम सोडियम 1123 इज बीइंग रिटेन एज 22.089770, विच इज रॉन्ग, ठीक है ना? तो इसके वजह से यहाँ पे आंसर गलत आ रहा था। सो एनीवे, सो नाउ आज के इस लेक्चर में हमने आपको बड़ी कमाल कमाल की चीजें बता दी हैं, समझा दी हैं कि कैसे हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, क्या मीनिंग निकल रहा है। सो लुक एट दिस हियर, सो हम लोगों ने लाइक क्यू वैल्यू का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यू वैल्यू का कैसे इस्तेमाल हो रहा है। अब हम लोग आगे के लेक्चर में ना लाइक एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें न्यूक्लियस डी एक्साइटमेंट, पोटेंशियल बैरियर और न्यूक्लियस फ्यूजन एनर्जी कैलकुलेशन, यानी कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आई मीन इसके बारे में बात करेंगे। सो दिस वी शुड डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप प्रमोटिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप कमेंटिंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।